आपके टी टाइम को मजेदार बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में तो है ही मजे की लेकिन बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 आलू बॉईल किए हुए और उनको अब हम मेश कर लेंगे। मेश करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक हम इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। काली मिर्च आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप के करीब चीज, आप कोई भी फेवरेट अपनी चीज ऐड कर सकते हैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने हाथों को कर लेना है ग्रीस ऑयल के साथ और थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब हम करेंगे इसकी कोटिंग, और कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 अंडे, और इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून दही और इसको अब हम अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4-5 टेबलस्पून मैदा और फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्की हल्की सी थिक सी कंसिस्टेंसी की हमारे पास होनी चाहिए, और नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पे एक कटलेट लेना है और इसको डाल देना है अंडों वाले मिक्सचर में और अच्छे से इसको कोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। और ये यमी से फ्लफी एंड सॉफ्ट टी टाइम स्नैक हो गए रेडी। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों के लिए भी बेस्ट हैं और शाम को अपने लिए भी आप बना सकते हैं। ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों से कैसे बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।